कितने बजे से खेला जाएगा भारत और हांगकांग के बीच एशिया कप का महामुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। भारत और हांगकांग के बीच एशिया कप का चौथा मुकाबला खेला जाना है, जो कि टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला होगा। इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सुपर फोर में अपनी जगह पक्की करने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और साथ ही इस मुकाबले के लिए क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और साथ ही हांगकांग की टीम की तरफ से टीम इंडिया को कौन कौन से खिलाड़ी टक्कर दे सकते हैं, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज करे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं हांगकांग की टीम के बारे में। तो दोस्तों, हांगकांग की टीम की हम बात करें तो हांगकांग की टीम की तरफ से यहाँ पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के सामने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। खास करके इस टीम के कप्तान निजाकत खान काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके अलावा जेसन अली जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर किंचित शाह की तो वो भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इसके अलावा यहाँ पर टीम में मोहम्मद गाजनफार भी मौजूद है जो भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखा सकते हैं। T20 में इस टीम ने पिछले कुछ समय से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है। गेंदबाजों की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से आयुष सकला, वाजिद शाह, मोहम्मद वाहिद काफ़ी शानदार गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज भी हैं। यानी कि देखा जाए तो एक अच्छी टीम है हांगकांग, जो कि यहां पर टीम इंडिया के सामने एक अच्छा मुकाबला जरूर खेल सकती है और कर सकती है टीम इंडिया को थोड़ा सा प्रभावित। वहीं पर भारतीय टीम की हम बात करें तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से पहले मुकाबले में कई खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया था, उसी परफॉर्मेंस को एक बार फिर से टीम इंडिया दोहराने के लिए इस मुकाबले में उतरने वाली हैं। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने तो कमाल की गेंदबाजी की थी। गेंदबाजों के इस शानदार परफॉर्मेंस के चलते पाकिस्तान को बड़ा स्कोर बनाने से रोका था। इसके बाद हार्दिक पांड्या का कमाल भी हमें देखने को मिला था। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो टीम इंडिया के गेंदबाजों में बेहतर गेंदबाजी हुई, लेकिन तो भी सफलता नहीं मिली थी रविंद्र जडेजा और यजवेंद्र चहल को। तो उम्मीद करते हैं कि ये इस मुकाबले में सफलता दिलाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, विराट कोहली जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, तो उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा को भी अपनी फॉर्म में लौटना होगा। इसके अलावा KL राहुल जो कि पिछले मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में वो दमदार वापसी करेंगे और यहाँ पर सुपर फोर में पहुँचने से पहले इनको फॉर्म हासिल करने का ये सबसे बेहतरीन मौका रहेगा इस टीम के खिलाफ शानदार रन बनाकर। तो चले दोस्तों, अब हम जानते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में कि आखिरकार इस मुकाबले में कौन से 11 खिलाड़ी उतर रहे हैं टीम इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, भारतीय टीम की पारी की शुरुआत तो एक बार फिर KL राहुल और रोहित शर्मा ही करने वाले हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर अच्छी शुरुआत देनी होगी टीम इंडिया को। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार लगा पिछले मुकाबले में, इनका एटीट्यूड भी काफ़ी शानदार था, तो एक बार फिर यहाँ पर ये आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो यहाँ पर हमें सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में सूर्य का बल्ला नहीं चला था, तो यहाँ पर बेहतरीन उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद नंबर 5 पर एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के तौर पर हमें रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि टॉप 7 में टीम इंडिया के पास सिर्फ एक ही लेफ्ट हैंडर गेंदबाज या फिर यूँ कहें तो बल्लेबाज हैं जो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नंबर 6 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल का फिनिश किया था मुकाबले को। तो वहीं पर दोस्तों, इनके साथ नंबर 7 पर उतरने वाले हैं दिनेश कार्तिक, यानी कि कार्तिक और हार्दिक के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी मुकाबले को फिनिश करने की। वहीं पर नंबर 8 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे भुवनेश्वर कुमार, तो नंबर 9 पर खेलते हुए दिखेंगे आवेश खान, जबकि दोस्तों नंबर 10 पर हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं यजवेंद्र चहल, तो नंबर 11 पर दिखेंगे एक बार फिर अर्शदीप सिंह। यानी कि दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहेगी। वहीं पर अब इस मुकाबले के शुरू होने के समय की हम बात करें तो ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 पर 31 अगस्त को, जिसे आप लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट और हॉट स्टार पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी या फिर टीम इंडिया की तरफ से कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा? आप अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।